प्राइवेट कंपनी में इतने साल काम करने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर तुम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो अपने बॉस को अपने अंदर छुपी दैवी शक्तियों के बारे में कभी मत पता चलने देना। दैवी शक्तियां जैसे अपने जूनियर के फैलाए हुए रायते को साफ करना, डेडलाइन के पहले प्रोजेक्ट सबमिट करना, ऑफिस आवर्स के बाद ओवरटाइम करना इत्यादि, क्योंकि जिस दिन उसे इन शक्तियों के बारे में पता चल गया ना, वो बनराकस इंसान और रोबोट के बीच में फर्क करना भूल जाएगा और खुद आलस की सैया पे सो के तुम्हारी हस्ती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर देगा। इसलिए ऑफिस में कदम रखने से पहले संकल्प ले लो कि चाहे तुम्हारा जूनियर अपने प्रोजेक्ट में कितनी भी गलतियां करे, तुम मसीहा बनकर उसकी गलतियां सुधारने नहीं जाओगे। अगर तुम्हारा बॉस ओवरटाइम करने के लिए कहता है, सीधा बोलो कि मैं कादर खान का करीबी रिश्तेदार हूँ और मुझे शाम 6 बजे के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्या फायदा तुम शुभम को मेल करने को और मैं शीला को मेल कर दूं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि कंपनी में एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय बन के रहो, मठाधीश बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो धीश निकल जाएगा, मठा मठा बन के रही।